क्या हुआ जब केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ से अपने मुसलमान भक्त को बचाने आए स्वयं महादेव। हाल ही में 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन केदारनाथ में बादल फटने से आई भयंकर त्रासदी में 4000 लोगों की जान दांव पर लगी। आखिर कैसे महादेव ने चमत्कार करके बचाए अपने भक्तों की जान, आज की वीडियो में बड़े चमत्कार से आपका परिचय करवाने वाले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है तो हर परिस्थिति में वे उसकी मदद करने जरूर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से भिक्षा मांगता हूं। बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है और जब इस कड़ी चढ़ाई को पार करके भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वह धन्य हो जाता है। उसके अंदर न तो अभिमान रहता है न ही किसी प्रकार का मोह, लेकिन कभी कभी यही यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो जाती है कि उनकी जान पर भी बन आती है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में भयंकर वर्षा का प्रकोप बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे और इन्हीं में से थे मेरठ के राजू यादव, हरीश सोनी, कमल सिन्हा, विनोद शुक्ला और जावेद खान। जावेद खान एक मुस्लिम था, लेकिन उसका परिवार हिंदू बहुल इलाके में रहता था, जिस कारण उसके ज्यादातर दोस्त हिंदू थे। वह भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहता था और हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास करता था। वे सभी सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में कुछ दिन बिताने के बाद वे लोग केदारनाथ के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनकी यात्रा जिंदगी में वे कभी भुला नहीं पाएंगे। पांचों ही दोस्त एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। बुधवार करीब 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वे पांचों दोस्त लिमचौली के समीप जंगलझट्टी में पहुंचे थे। कुछ समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश बनी हुई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर सभी भयभीत हो गए। वह आवाज ऐसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ हो। तभी सबने महसूस किया वर्षा का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भिम्बली में 20-25 मीटर का मार्ग बह गया तथा पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाड़ा, भिम्बली, लिमचौली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई। राजू यादव, हरीश सोनी, कमल सिन्हा, विनोद शुक्ला और जावेद खान बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इस भीषण वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित काल तक रोक दिया गया था। वे पांचों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर खड़े हुए थे, जिसमें कुछ सामान्य यात्री और कुछ खच्चर वाले भी मौजूद थे। लेकिन समय के साथ वर्षा का प्रवाह बहुत तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा था, ऐसी खबर आ रही थी रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण बह चुका है। ऊपर से गिरते बड़े बड़े पत्थर यात्रियों के भय का कारण बन रहे थे। इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रवाह भिम्बली के उस क्षेत्र में आया और वो पांचों दोस्त उस बाढ़ के प्रवाह में बह गए, लेकिन जावेद खान को एक खच्चर वाले ने डूबने से बचा लिया, जिसने अपने चारों दोस्तों के पानी में बह जाने की जानकारी उनके परिवार वालों और प्रशासन तक पहुंचाई। जावेद खान को एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। उसका कहना था या तो वह अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएगा या वह खुद भी नहीं आएगा, लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया गया और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिसके बाद जावेद खान के चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 5 से 7 घंटे के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग पाया। सभी लोग अंदेशा लगा रहे थे इतनी भयंकर बाढ़ के कारण उनकी जान बच पाना मुश्किल होगा,
लेकिन जावेद खान इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे महादेव पर विश्वास था। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5000 से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका था, लेकिन जावेद खान के चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चल पाया था। इस रेस्क्यू में अब वायुसेना ने भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी। जब उन चारों दोस्तों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही लापता हुए चारों दोस्तों के स्वजन और जावेद खान के पिता अकबर खान केदारनाथ के लिए निकल गए। रात 12:30 बजे तक वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचे। उन्हें जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है। हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चला पाया था। यहां उनकी मुलाकात जावेद से भी हुई। जावेद के अंदर बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था। लेकिन जावेद खान के पिता, जिनका नाम अकबर खान था, वह सभी को एक हिम्मत दे रहे थे कि हमारे बच्चे बाबा केदारनाथ की शरण में गए थे। अगर उनकी नीयत साफ थी, अगर उनकी भक्ति में सच्चाई होगी, तो ये बाढ़ उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी और महादेव उनकी रक्षा जरूर करेंगे। अब उस घटना को एक दिन बीत चुका था, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं लग पाया था। तभी सुबह होते होते सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई, जिसमें ये पता चला कि चार युवक मछुआरे की जाल में फंसे हुए मिले हैं। उनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया। वे लोग कई किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने हरीश सोनी, कमल सिन्हा, विनोद शुक्ला और राजू को बेहोश अवस्था में पाया। लेकिन महादेव का चमत्कार यह था कि वे सभी एकदम सही सलामत थे। वे सभी मंदाकिनी नदी के बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंचे थे। कुछ मछुआरों का कहना था कि रात्रि के समय उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल नदी के अंदर बिछाए थे। जब सुबह हम उस स्थान पर पहुंचे, तब हमने देखा कि हमारे जाल एक पेड़ में फंसे हुए थे, जिनमें चारों युवक मौजूद थे। ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज आपके चारों बेटे सही सलामत है। वरना 2013 में आई भयंकर बाढ़ में कई हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जावेद खान भी अपने चारों दोस्तों को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। इस पूरी घटना के पीछे जावेद के पिता अकबर खान जी भी तारीफ के काबिल थे, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों को भी हौसला दिया और महादेव के प्रति विश्वास बरकरार रखा। और उनके विश्वास का नतीजा कुछ यूं आया, चारों दोस्त एकदम सही सलामत थे। उन्हें 2 से 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वे सभी अपने परिवार के साथ पुनः मेरठ चले गए। केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयानक हो जाता है। साथ ही हम तारीफ करते हैं सेना के उन जवानों की, NDRF ने रात में ही मोर्चा संभाला। देहरादून से लेकर केदार घाटी तक प्रशासन और शासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहा। स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया और नदी किनारे की जगहों को खाली कराया गया। बादल का फटना या क्लाउड बस्ट बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहे तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। अक्सर दोस्तों, ऊंचाई वाले ऐसे तीर्थ स्थलों पर या अन्य जगहों पर ऐसी घटना होना सामान्य बात होती है। यात्रियों को चाहिए कि वह मौसम का मिजाज देखकर और समय के अनुरूप ही ऐसे स्थानों पर जाएं। मुस्लिम युवक जावेद खान और उसके पिता अकबर खान की महादेव भक्ति पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं या कभी गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों को हर हर महादेव।